गुप्ता जी अपने दोस्त को खोजते हुए उसी भूतिया घर के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा डिलीवर मैन की गाड़ी पड़ी है। गुप्ता जी ने भी इस भूतिया घर के बारे में सुना था, पर उसे अपने दोस्त को बचाने के लिए जाना ही होगा। जैसे ही गुप्ता जी उस हवेली के अंदर जाता है, तभी हवेली का मुख्य द्वार बंद हो जाता है। गुप्ता जी पूरी तरह से डर चुका है, परंतु उसे अपने दोस्त को बचाना है। अरे भूत भैया, मुझे छोड़ दो, मैं तो बस अपने दोस्त को खोजने आया था, मुझे माफ कर दो। आज तो मजा आएगा, आज तुम और तुम्हारे दोस्त का सूप बनेगा। अरे भूत भैया, मुझे मार कर क्या मिलेगा, छोड़ दो मुझे। आनंद, अति आनंद मिलेगा, सबसे पहले तुम्हारे खून चूसेंगे, फिर तुम्हारे खोपड़ी को धर से अलग कर देंगे, और तुम्हारे खोपड़ी में तुम्हारे दोस्त का सूप बनाकर पिएंगे। यह बात सुनकर गुप्ता जी वहीं मूर्छित हो जाता है। भूत ने सभी को कैद कर लिया था। तभी गुप्ता जी होश में आते हैं। गुप्ता जी देखता है उसके दोस्त जमीन में पड़े हुए हैं, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी कहाँ है। उसने अपने दोस्त को उठाया। मिश्रा जी उठो, ओ मिश्रा जी। ओ पिज्जा वाले भैया, उठिए। सब लोग होश में आ जाते हैं। तभी मिश्रा जी गुप्ता जी से पूछता है, गुप्ता जी आप यहाँ कैसे आए? अरे मैं तुम्हें खोजते हुए हवेली के अंदर आया था, पर उस भूतों को देखकर मैं तो मूर्छित हो गया था, और पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। वैसे हम लोग है कहाँ अभी? हम लोग शायद इन भूतों की कैद में हैं। हम लोगों को जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। हाँ हाँ चलो चलो, ओ पिज्जा वाले भैया जरा संभल कर चलिएगा। हम किसके पल्ला में पड़े रहे जो यहाँ भूतों के चक्कर में फंस गए, अब कैसे निकलेंगे? अरे पिज्जा वाले भैया डरो नहीं, साथ रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अब चलो जल्दी से। गुप्ता जी को एक रास्ता दिखता है, शायद यही रास्ता है निकलने का यहाँ से।
पिताजी कुछ कीजिए, इसे यहाँ से भगाइए जल्दी। अरे मैं क्या करूँ, मुझे तो खुद डर लग रहा है। अरे गुप्ता जी, आप तो कुंफू कराटे के चैंपियन हो, आपसे ये क्या लड़ेगा, इसे तो आप चींटी की तरह मसल दोगे। ऐसा क्या, आओ देखते हैं। अरे भूत भैया, मुझे माफ कर दो। तक आ गए, अब यहाँ से बचकर कैसे जाओगे।